Hello everyone, welcome to Study Times. यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ लिया है. आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एरर्स. ठीक है, देखो एरर क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं. एरर्स में इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. ठीक है ना, जैसे कि एरर को बताया गया है ट्रू वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू है उससे माइनस कर दें तो हमारे पास एरर आ जाता है. सपोज करते हैं ये हमारे पास पेन है, पेन का एक नेचुरल लेंथ होगा जो ट्रू वैल्यू होगी इसकी, और हमने मान लो मैंने क्या किया इसे इसके लेंथ को मेजर किया. ठीक है ना, और मेजर करते वक्त मैंने कुछ गलती कर दी. ठीक है, तो वो वैल्यू जो होती है मेजर्ड वैल्यू होती है, और ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो वही एरर आ जाता है. ठीक है, तो एरर को समझने के लिए लेट हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है. वी हैव परफॉर्म्ड एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. हमने क्या किया, किसी भी क्वांटिटी के लेंथ को या फिर कुछ भी हम मेजर कर रहे हैं. ठीक है ना, हमने एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मेजर परफॉर्म किया. पहली बार हमने A1 वैल्यू मेजर की, A2 A3 A4 AN. जैसे ये पेन है, पेन के लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं. पहली बार जो मेजर किया तो A1 मीटर है, दूसरी बार A2 मीटर है, तीसरी बार A3. तो ये मेजर्ड वैल्यू है, ये सारी मेजर्ड वैल्यू है जो कि एक्सपेरिमेंट में आपको मिल रही है. तो इसमें एक मीन एरर निकाला जाता है. तो मीन एरर में कैसे निकालते हैं, इन सब को आपको ऐड करना होता है और उसे डिवाइड कर देते हैं एन नंबर से. ठीक है, जितने नंबर्स जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया उससे आपको डिवाइड करना होगा, ये कहलाता है मीन एरर. अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर. देखिए एब्सोल्यूट एरर हर एक्सपेरिमेंट में देखा जाएगा. ठीक है ना, डेल्टा A1 ये है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. तो इसे कैसे निकालेंगे, A1 में से AM को माइनस कर देंगे. वैसे डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, तो वो होगा A2 माइनस AM. थर्ड के लिए, ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या आ गए, एब्सोल्यूट एरर्स. ठीक है, इसका एक एब्सोल्यूट मीन एरर निकालते हैं. इन सब को आपको पॉजिटिव करना है और उसे डिवाइड कर देना है जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट मीन एरर. अब समझते हैं, जैसे हमने क्या किया था, किसी एक्सपेरिमेंट को किया एन बार. ठीक है ना, हर बार आपको अलग अलग वैल्यूज आती हैं. अब हम फाइनल रिजल्ट जब देंगे, उस फाइनल रिजल्ट में लिखना होता है AM प्लस माइनस डेल्टा AM. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे गिवन है. तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है मीन वैल्यू. कैसे मेजर की जाती है, जितने एक्सपेरिमेंट हैं सबकी वैल्यू को जोड़ के एन से डिवाइड करके. ठीक है, फिर जो हमारे पास 0.2 है वो कहलाती है एब्सोल्यूट मीन एरर. ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं फाइनल रिजल्ट अगर हम उस एक्सपेरिमेंट के लिए देते हैं तो AM प्लस माइनस डेल्टा AM लिखना होता है. ठीक है ना, अब समझते हैं रिलेटिव एरर क्या होता है. तो रिलेटिव एरर में समझना होगा कि जो डेल्टा AM है उसको AM से डिवाइड कर देते हैं, ये आपका रिलेटिव एरर कहलाता है. ये जो वैल्यू है इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, ये आपकी रिलेटिव एरर वैल्यू आ जाती है. परसेंटेज एरर की अगर बात करें तो इस रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आपका परसेंटेज एरर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कुछ एरर के टाइप्स हो गए। लेकिन जो थियोरिटिकल हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे टाइप्स ऑफ एरर में हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर, जिसे आप खुद ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ थियोरिटिकल पार्ट है, इसको आप देख लेंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, इसके लिए आपको समझना होगा प्रोपगेशन ऑफ एरर। इसमें फर्स्ट इज समेशन है। सपोज करते हैं Z1, सपोज करते हैं हमारे पास a प्लस माइनस डेल्टा a है, कोई एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, b है b प्लस माइनस डेल्टा b, हमें इनको जोड़ना है, a और b को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके जो मीन एरर है वो तो आपस में जुड़ जाते हैं, साथ ही साथ इनके जो एब्सोल्यूट मीन एरर है वो भी आपको ऐड करना पड़ता है। ये केस होता है किसके लिए, एडिशन का केस होता है। सपोज करते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, एक रेजिस्टेंस गिवन है इस तरीके से, R2 गिवन है 3 प्लस माइनस 0.1 ओम, हमें इनको जोड़ना है, R नेट निकालना है इन सीरीज। तो उसमें क्या करना होगा, R1 प्लस R2 करना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना पड़ता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको R1 प्लस R2 करना होता है। तो ये वाली क्वांटिटी, ये दोनों जुड़ गई तो ये 5 हो गई, और ये दोनों भी जुड़ गई 0.3 हो गई। ठीक है, तो एडिशन में आपने देखा क्या होता है, जो इसके मीन वैल्यूज होते हैं वो जुड़ जाती हैं, और जो इसके एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है वो भी जुड़ जाती हैं। बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। सब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे ये हमारे पास a और b दिए हुए हैं, हमें क्या करना था, a माइनस b करना है। अब तो a माइनस b में ये जो होते हैं ना मीन वैल्यू, ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे लेकिन एब्सोल्यूट मीन वैल्यू ऐड होंगी। ठीक है, इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, T1 दिया हुआ है 30 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 दिया हुआ है 50 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी पता करनी है तो T2 माइनस T1 करना होगा। टेम्परेचर डिफरेंस अगर पूछ दे तो क्या करना होगा, T2 माइनस T1 करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस हो जाता है 50 माइनस 30, लेकिन जो इसके एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, एब्सोल्यूट मीन एरर हैं, वो तो ऐड ही होंगे। तो ये हो जाता है 20 प्लस माइनस 0.4 ये डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है डिफरेंस। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी देख चुके हैं। आइए अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के। ये प्रोपगेशन ऑफ एरर में समझना है, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आप जैसे जेड इज इक्वल्स टू ए इंटू बी कर रहे हैं, ए क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा है, बी क्या है, अगर हम a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा z अपॉन z, मतलब रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। देखिए कैसे है, अब इस पे क्वेश्चन हम समझेंगे, फिर इसको डिराइव भी करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। पहले इस पे क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे कि i गिवन है 3 प्लस माइनस 0.3 एम्पियर, R गिवन है 4 प्लस माइनस 0.4 ओम, फाइंड V एंड एरर इन इट। अब V को जब आप निकालोगे तो V के साथ साथ उसकी मीन वैल्यू और उसकी एब्सोल्यूट मीन वैल्यू दोनों साथ में होनी चाहिए, जैसे I के साथ और R के साथ है। नाउ एक बात बताइए, V इज इक्वल्स टू IR होता है, I और R, ये कितना हो गया, I हमारे पास 3 है और ये R 4 है, तो I इंटू आर कितना हो गया, 3 इंटू 4 दैट इज 12, ये हमने 12 रख दिया। लेकिन डेल्टा V कैसे निकालें, डेल्टा V को निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो डेल्टा Z अपॉन Z की वैल्यू डेल्टा A अपॉन A डेल्टा B अपॉन B होगी। यहाँ पर उसी तरीके से डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा I अपॉन I, डेल्टा R अपॉन R करके देखिए डेल्टा I की वैल्यू कितनी है, ये है 0.3 और I की वैल्यू 3 है, तो 0.3 अपॉन 3।
वैसे ही डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, 0.4 अपॉन 4, तो ये हो जाता है 0.2 डेल्टा वी, और वी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2.4। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2.4 को रख देंगे और ये हमारा फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है, जिसमें ये मीन वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है, ठीक है ना। तो जब भी आपको प्रोडक्ट में गिवन हो जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन है, आइए इसके डेरिवेशन को भी देख लेते हैं, डेरिवेशन को समझते हैं। जैसे कि वी जेड इज इक्वल टू ए और बी का मल्टीप्लीकेशन था, ए की जगह पे हमने डेल्टा ये लिख दिया, ये लिख दिया, जेड की जगह पे हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए और बी, ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए, ये दोनों फिर आपस में मल्टीप्लाई, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। देखिए ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएंगे तो इसे इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। कैसे, 0.3, 0.4 जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.12, और भी छोटी क्वांटिटी हो गई। पहले से डेल्टा ए डेल्टा बी छोटी क्वांटिटी थी, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो और छोटी क्वांटिटी हो जाएंगे, इसे इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट कर देते हैं। इसकी जगह पे ए और बी की जगह पे जेड रख देते हैं, ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए, और ये जीरो। यहाँ पर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इससे ये कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, डेल्टा जेड वो भी प्लस माइनस का, ये है प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ठीक है। हम दोनों ओर z से डिवाइड करेंगे, देखिए z से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी बीच में इक्वल टू है ना, इसके नीचे भी आ गया a डेल्टा b अपॉन z, और b डेल्टा a के नीचे भी आ गया z, और इधर भी आ गया डेल्टा z अपॉन z। नाउ z की वैल्यू है क्या, a और b के मल्टीप्लाई के इक्वल है ना, तो इस z की जगह पे यहां पर हमने ए बी रख दिया, यहां पर भी हमने ए बी रख दिया, इससे ये कैंसिल, इस b से b कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। लेकिन हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर में डेल्टा z अपॉन z डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b के इक्वल हो गया, जो हमें पता करना था, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एक्सप्रेशन फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये प्रोपागेशन ऑफ एरर है जिसमें मल्टीप्लीकेशन हमने देखा। बात करेंगे हम डिवीजन की, अब डिवीजन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, इसे देखते हैं। जैसे z इज इक्वल टू a अपॉन b है, ओके okay? a क्या था आपका, a था a प्लस माइनस डेल्टा a, b क्या था b प्लस माइनस डेल्टा b, तो इस केस में डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b होगा, जैसा कि मल्टीप्लीकेशन में होता था वैसा ही यहां पर डिवीजन के केस में भी होगा, ठीक है। और अब इस पे क्वेश्चन समझ लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड p, p मतलब प्रेशर, इफ फोर्स गिवन है 20 प्लस माइनस 2 न्यूटन, एरिया गिवन है 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर स्क्वायर। हमें प्रेशर पता करना है, तो प्रेशर जब आप पता करोगे तो प्रेशर की जो मीन वैल्यू है साथ साथ उसकी एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है दोनों लिखनी होती है। ये तो बहुत आसानी से निकल सकता है फोर्स अपॉन एरिया करके, ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ डिवीजन का केस हो रहा है, फोर्स हमारे पास 20 है, एरिया 5 है, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, ठीक है, हमने इसकी मीन वैल्यू को तो मेजर कर लिया। अब एब्सोल्यूट मीन को कैसे मेजर करें, तो देखिए जब अगर आपके पास f अपॉन a है डिवीजन में है, जैसा कि यहाँ पर a अपॉन b में है, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन p, डेल्टा f अपॉन f, डेल्टा a अपॉन a, ओके। डेल्टा f की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, ये वाली वैल्यू, अपॉन में f कितना है 20, डेल्टा a कितना है 0.5 है अपॉन 5, ये जो वैल्यू हो गई ये हमारे 0.1 0.1, और इस p की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है,
0.8, तो ये हमने 0.8 यहाँ पर रख दिया, प्रेशर की वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप प्रोपगेशन ऑफ एरर में डिवीजन को भी समझते हैं। डिवीजन का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसे देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ। सपोज हमारे पास ए था ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और हमारा जेड क्या है, ए अपॉन बी। ए की जगह पे हमने रख दिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की जगह पे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और जेड की जगह पे हमने ये रख दिया। यहाँ से ए कॉमन लिया तो इसमें ये वन बच जाएगा और यहाँ पर आपका डेल्टा ए के नीचे ए आ जाएगा। फिर यहाँ बी कॉमन लेते हैं तो यहाँ वन बच जाएगा, यहाँ पर डेल्टा बी अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है ना, ए अपॉन में बी फिर से यहाँ पर जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी जेड कॉमन लेते हैं, वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ए अपॉन बी जेड से कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, ए बी के बराबर है। तो वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, ये पूरा ऊपर चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इसके पावर में माइनस वन। कैसे, ये डिवीजन में है, ऊपर में जाएगा तो माइनस वन। आपको एक बायनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन समझना होगा, बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन समझना होगा। ये अगर पावर माइनस में होता है ना, ठीक है, जैसे वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन होता है ना, तो वन प्लस माइनस एन इंटू एक्स के इक्वल हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखनी होगी बात। तो माइनस वन को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है डेल्टा ए अपॉन ए, तो वही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पर ये माइनस पहले मल्टीप्लाई, तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, डेल्टा बी अपॉन बी, और ये है वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। मल्टीप्लाई करते हैं वन को इससे, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये वैल्यू नेगलेक्ट कर दी जाएगी, इग्नोर कर दी जाएगी, बहुत छोटी होगी, इसलिए जैसा उसमें हुआ करता था मल्टीप्लिकेशन वाले में, ये वन से वन कैंसिल, जो बचा आपके पास डेल्टा जेड अपॉन जेड, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए, और हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस साइन को ही लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होता है। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है डिवीजन के केस में भी, सेम ही आता है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। कुछ और भी समझते हैं, जैसे कि z इज इक्वल टू ए टू द पावर m, b टू द पावर n, इस तरीके से है। यहां पर आपको डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b तो लिखना ही होगा, साथ ही साथ ये जो पावर है उनको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं। अब इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है ना, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू गिवन है 3 प्लस माइनस 0.3 एम्पियर, आर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4 ओम, फाइंड पी। तो जो पी निकालेंगे तो पी में एक तो मीन वैल्यू होगी उसकी और एक एब्सोल्यूट मीन वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो ये मीन वैल्यू है वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, आई स्क्वायर इंटू आर, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 4, यानी कि ये 9 इंटू 4, तो ये 36 आ गई। हम यहाँ पे 36 पुट कर देते हैं। लेकिन ये डेल्टा पी कैसे निकलेगा, डेल्टा पी निकालने के लिए आपको याद रखना होगा डेल्टा पी अपॉन पी, डेल्टा आई अपॉन आई, डेल्टा आर अपॉन आर, लेकिन इस आई पे पावर 2 है तो यहाँ पर ऐसे हो जाता है। ठीक है ना, अब वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा आई की, वो है कितनी, वो है 0.3 अपॉन 3 प्लस डेल्टा आर कितना है भाई, तो 0.4 अपॉन 4। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे डेल्टा पी और नीचे में यहाँ पर रख देंगे 36, डेल्टा पी निकल के आ जाएगा, वो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जब ए के पावर में m और b के पावर में n हो तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है,
एक क्वेश्चन और देखते हैं. द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3% एंड 2%. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम. फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम. समझते हैं. देखिए, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, जो ये हमारे पास रेडियस है उसमें कितनी एरर है, 3% की परसेंटेज एरर. ठीक है, बात करते हैं हाइट की. तो डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100, ये कितने के इक्वल है, 2%. हमें डेल्टा वी अपॉन वी पता करना है. किसका, सिलेंडर का. तो सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पर डेल्टा वी अपॉन वी निकालेंगे, पाई को हटा देंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लिखते नहीं हैं. आर पे क्या है, स्क्वायर है. डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा एच अपॉन एच, दो हमारे पास वेरिएबल हैं, मल्टीप्लाई में थे, और आर पे स्क्वायर है तो टू हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने सीख रखा है. ठीक है ना. ओके, दोनों और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो आपको गिवन है कितनी, 3%, और ये जो हाइट वाली है वो 2%. तो 3% और ये 2%, ये हो गया 6 + 2, दैट इज 8%. तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो कितना होगा, वो 8% का होगा. ठीक है ना. ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के रेडियस में 3% चेंज देखने को मिला. फाइंड द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम होता क्या है, तो आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो डेल्टा वी अपॉन वी को क्या लिखेंगे, 4/3 पाई को हटा देंगे और 3 डेल्टा आर अपॉन आर लिखेंगे. पावर क्या है, 3. तो डेल्टा आर अपॉन आर लिखने के बाद 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता है. हम दोनों ओर अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100. ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, वो गिवन है 3%. तो 3 × 3 दैट इज 9%. अब इसके वॉल्यूम में कितना एरर देखने को मिलेगा, 9% का. ठीक है. ओके, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं. पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन में कह रहा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g. द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 20 cm, नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, एंड टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 seconds यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 second रिजोल्यूशन. वॉट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी. ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है. एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बताया गया है, ये देख लेते हैं. कि जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है सिंपल पेंडुलम की, वो 2π√L/g के इक्वल होती है. और यहां पर लेंथ के बारे में पता है 20 cm, और इसमें 1 mm की एक्यूरेसी भी है. 1 mm का मतलब क्या होता है, 0.1 cm, क्योंकि ये 20 cm है, और 20 cm के साथ जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू रखेंगे वो सेंटीमीटर में ही रखेंगे. और ये बताया गया है कि रिस्ट वॉच है 90 सेकेंड, 1 second रेजोल्यूशन. मतलब इसमें टाइम के बारे में जो एरर होगा वो होगा 90 ± 1. आपको डेल्टा जी अपॉन जी पता करनी है, परसेंटेज एरर इन जी पता करनी है.
तो ये देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² एल अपॉन जी, जी को यहाँ रखेंगे 4π² एल अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ डेल्टा जी अपॉन जी को लिखेंगे, 4π² को हटा देंगे, कॉन्स्टेंट है इसलिए, ये एल है तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल, फिर ये डेल्टा टी अपॉन टी, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पावर इसका 2 है, चाहे वो डिवीजन में हो चाहे वो मल्टीप्लीकेशन में हो, कितने भी वेरिएबल्स हो अगर उसमें पावर है तो पहले आ जाता है और सारे के सारे एडिशन में होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो कितने, 0.1 अपॉन में 20, और ये जो हमारे पास डेल्टा टी है 1 अपॉन 90, और ये आपका डेल्टा जी अपॉन जी आ गया। अब जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू है आ जाएगी 0.027, ये आपके पास डेल्टा जी अपॉन जी की वैल्यू आ गई 0.027। अब इसके परसेंटेज एरर को अगर मेजर करना चाहें तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.7% या फिर अप्रॉक्सीमेटली 3%, ठीक है ना। तो ये है आपका एरर, और एरर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।